स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचे कांग्रेसियों ने क्या हंगामा, सीसीटीवी बंद होने का लगाया आरोप। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मतदान के बाद भारी सुरक्षा के बीच रखे गए जनादेश को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भारी सशंकित हैं और पर्पल स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हैं। आज दोपहर जिले के इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में उस वक्त गहमा गहमी का माहौल बन गया जब स्ट्रांग रूम में लगाए गए कैमरे अचानक बंद हो गए, जिसकी जानकारी मिलते ही परिसर में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मामले से अवगत कराया। सूचना मिलते ही कांग्रेस के नेता मौके पर पहुंचे और हंगामा करने लगे, जिसकी जानकारी मिलते ही इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे उप जिला निर्वाचन द्वारा दी गई समझाइश के बाद मामले का पटाक्षेप हो गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने संदेह जाहिर किया है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। हाँ, दो दिन भी पहले कैमरा बंद हुआ था तो 29 मिनट तक कैमरा बंद था। 39 मिनट तक बंद था। 39 मिनट तक कैमरा बंद था। फिर जब ये लोग हल्ला हल्ला मचाए तो बोले कि वो टेक्निकल परेशानी है। और आज भी कैमरा बंद हुआ है। यही रामगरीब बनवासी जी के बेटे हैं, इन्होंने मुझे बताया तो मैं तुरंत आई। यहाँ कलेक्टर मैडम अंदर गई और कौन गया है, प्रिंसिपल साहब अंदर गए और फिर तुरंत वो निकली कलेक्टर मैडम, लाइट बंद हो गई। तो ये लोगों ने हंगामा मचाया। तो आपका टेक्निकल है खराबी और जब हंगामा मचता तो आपका कैमरा चालू हो जाता है। ये इतिहास में पहली बार ये सब हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे से हो रहा है। हम लोग को प्रशासन के ऊपर कोई भरोसा विश्वास नहीं है। संशय है, यहाँ टोटल लोग गैलरी में घूम रहे हैं, सिविल ड्रेस पर घूम रहे हैं। अभी हम लोगों ने पूछा तो उन लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये सब यहाँ के कर्मचारी हैं, क्या मालूम ड्यूटी वाले हैं, सिविल ड्रेस में क्या ड्यूटी वाले रहते हैं, क्या मालूम, हो सकता है वहाँ एक्सपर्ट ही हो, ईवीएम के हैक करने वाले एक्सपर्ट लोग हो। भाई जिनकी ड्यूटी है वो ड्रेस पे रहे बकायदे। मान लीजिए हम सब लोग प्रत्याशी हैं तो हम लोग पूछे तो ये तो पता होना चाहिए ना। कलेक्टर मैडम के पास सारी जानकारी है कि अंदर कौन है। गैलरी में भी हम लोगों ने देखा है कि सिविल ड्रेस में हाफ चड्ढा पहने और टी शर्ट पहने घूम रहे थे, हाथ में कुछ वो लिए हैं। और वहाँ के कर्मचारियों से हम लोगों ने पूछा तो बोले कि वो कर्मचारी हैं, जो वो ड्यूटी है ईवीएम स्ट्रांग रूम के सामने जो खड़े हुए हैं वो लोग हैं। आपकी नजर में संदिग्ध लोग हैं। हम लोगों को बार बार लाइट बंद, इतिहास में पहली बार, एक बार एजी कॉलेज में लोकसभा के चुनाव में वहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया था। बाकी जब से मैं जानने लायक हुई तो हमेशा इंजीनियरिंग कॉलेज में रहता और इस तरह की गड़बड़ी कभी नहीं हुई। भाई आप कैमरा पहले से सब ठीक ठाक रखो, सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को दिखना चाहिए। हम लोग इसमें आपत्ति कर रहे हैं और खासतौर पर हमारे कांग्रेस के सभी जो साथी हैं आपत्ति कर रहे हैं। ये बनवासी जी के बच्चे हैं, इनसे भी आप वाइट ले सकते हैं। निर्वाचन अधिकारियों से आपने इस संबंध में बात? हम लोग बात कर रहे हैं, हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को बात, यहाँ कौन सुन कौन रहा है, निर्वाचन अधिकारी कौन सुन रहा है। यहाँ सरे हम जानवरों की तरह मरवा रहे हैं। अभी हमारे साथ जो 16 की रात को जो हमारे साथ घटना हुई, मैंने 17 लग गया जो रात को घटना हुई, फिर नेक्स्ट दिन सुबह से चुनाव था, यहाँ कौन सुन रहा है। यहाँ पुलिस वाले, प्रशासन, इनके एसडीएम जो भी है, ये सब सीधे सीधे डंडा बरसवाने का काम कर रहे हैं। तो किससे हम लोग गुहार लगाने जाए। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से, सम्मानी कमलनाथ जी से हमने बात की है और हम लोग उसमें उनको अभी लेटर भेज रहे हैं। देखिए, ये चुनाव जो हुआ है इस बार, हमने 5 चुनाव करवाए हैं और इतना अव्यवस्था भरा चुनाव कहीं नहीं रहा। हम लोगों को पूरे समय लड़ते बीता है और पूरे चुनाव में कहीं नियम कायदे का पालन नहीं किया गया है। और आज भी जो स्थिति बनी है, ये पहली बार बन रही है कि बार बार कैमरे बंद हो रहे हैं। हम लोगों के बार बार एक्शन लेने के बावजूद भी ना पावर बैकअप दुरुस्त किया जा रहा है, ना एक्सपर्ट बैठाए जा रहे हैं। हम लोगों को अभी कल अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि मैं इलेक्शन एजेंट हूँ। इलेक्शन एजेंट के पास में हमेशा काउंटी तक हम लोगों को अंदर आने जाने की परमिशन होती थी, कल मुझे रोक दिया गया, फिर दूसरा मुझे परिचय पत्र बनवाना पड़ा। आज इस कॉलेज का प्रिंसिपल पूरे स्टाफ के साथ, इंजीनियरिंग स्टाफ के साथ अंदर कैसे घुस गया? क्या व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है उनकी? ये निर्वाचन के अंडर में है, आज उनका कॉलेज नहीं है। अब वो जिस तरह से अंदर जा रहे थे और जाते हैं जैसे, वैसे कैमरा बंद हो जाता है। बाद में जो हमारे एजेंट जो यहाँ पे बैठे थे देख रेख के लिए, उनके द्वारा आपत्ति की जाती है, हम सबको फोन किया जाता है, हम लोग भी आते हैं, प्रेशर बनाते हैं तो सॉरी बोल करके चले जाते हैं। ये सारी स्थितियां बताती हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है तो पारदर्शी पूर्ण चुनाव नहीं करा रहा है। वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे में है, सरकार डरी हुई है और सरकार वापस आने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। अभी एक चीज और हम लोगों ने अंदर देखी है, अंदर जा करके एडीएम साहब ले गए, बोले आप देख लीजिए, विजिट कर लीजिए। वहां कई लोग हमको दिखे चड्ढी बनियान में, प्राइवेट व्यक्ति। जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के हैं, आप सिक्योरिटी में हैं, आन सिक्योरिटी वाले वर्दी में हैं। आप सिक्योरिटी के लोगों को अंदर रखने की क्या जरूरत है? उनके लिए बाहर रेजिडेंस बनाए, अंदर आन ड्यूटी वाले रहें। इसमें तो एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, ईवीएम हैकर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर के इतना अव्यवस्थित चुनाव है, ये किसी भी तरह से पारदर्शी नहीं। आगे काउंटिंग तक क्या होगा भगवान जाने।
ये हालात है। तो मैं चाहूंगा आप मीडिया के लोगों के माध्यम से इस बात को जोर शोर से आप लोग हम लोगों की सहायता के लिए प्रचारित करें। अभी दो दिन पहले भी 39 मिनट कैमरा बंद किया गया था, फिर हमारे जो साथी लोग थे वहां पर बताया गया कि भाई यहां पर टीवी बंद है और जो है तो अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर यहां पर जब पूछा गया कैमरा क्यों बंद है तो फिर बताया गया कि यहां पर जो है तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो है अपडेट हो रहा है, अपडेट की वजह से जो है ऐसा हो रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम। तो फिर उसके बाद जो है तो फिर 1 घंटे बाद चालू किया गया, फिर आज सुबह जो है तो फिर से बंद किया गया। अब वो प्रिंसिपल साहब आए थे पूरे स्टाफ के साथ में, बोले हमारा काम है और काम को वहाँ पर कुछ बैठे थे, बैठने के बाद फिर एसडीएम कलेक्टर साहब भी आई थी और कलेक्टर साहब आने जैसे ही निकले उसके बाद जो है तो प्रिंसिपल ने बटन बंद कर दिए और बोले जब यहाँ पे पूछा गया कि तो भाई ये कैमरा क्यों बंद हो गया तो फिर प्रिंसिपल साहब ने कहा कि भाई वो गलती से बटन बंद हो गया है। फिर जब हमारे लोग थे तो वहाँ पर जब ऑब्जेक्शन लिए तो फिर बोले कि गलती से बंद हो गया, इसके लिए हम माफ़ी मांगे, उन्होंने माफ़ी मांगे तुरंत चले गए। स्ट्रांग रूम तो लॉक होगा ना? नहीं, स्ट्रांग रूम तो लॉक है लेकिन टीवी जो है पूरा कैमरा बंद हो गया था और फिर अंदर वो अंदर गए, अंदर से टीवी बंद कर दिया, टीवी पूरी जी बिल्कुल आज 10 मिनट के लिए बंद था करीब। आद्रा प्रसाद खोल, मैं श्री राम गरीब वनवासी जी का बालक हूँ, श्री मोर प्रत्याशी। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।